नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। सरकार भले ही पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का दावा करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति दावे के उलट है। स्थिति यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही एक मामले से रूबरू करवाते हैं जहाँ सरकार के हर वादे फेल साबित हो रहे हैं। यह पूरा मामला बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र स्थित बखतपुर वार्ड नंबर 1 की है, जहाँ दबंगों ने एक परिवार के कई सदस्यों को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। थक हार कर पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। हमारे संवाददाता ने जब इन पीड़ित परिवारों से बात की तो परिवार के लोगों ने क्या कुछ बताया है और क्या है पूरा मामला, एक बार आप भी सुन लीजिए। मारपीट किया पड़ोसी, अपना जमीन में गए गोबर फेंकने के लिए, बोला डैन के बेटा तुम यहाँ से भागो, एक बार मारे तब नहीं है पर कूद गया सब मारने के लिए। मारपीट किया, लोहा डंडा से पिस्तौल भी दिखाया। वो यहाँ क्यों है? यहाँ आए, वहाँ आए, बीरपुर थाना गए, वो 1 तारीख के रिपोर्ट दिए उनको आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब यहाँ आए अपना। हाँ, वही वहाँ नहीं कोई सुनवाई हुआ। घटना है बखतपुर है, वार्ड नंबर 1 का थाना। कौन है? थाना बीरपुर थाना, जिला बेगूसराय। कब की घटना? 1 तारीख। भाई को भी हाथ टूटा है, भाभी के कान वाला है वो बाली छिंटा, बाया कान का बाली। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय मोतीलाल महतो। मेरे मम्मी के साथ भी मारपीट किया, घायल कर दिया है। वो भाई का हाथ टूटा, मेरे पिट्ठी पर भी रॉड से पूरा घायल कर दिया है।